ट्राम तो आपने जरूर देखा होगा, जो जमीन पर मेट्रो की तरह चलती है। लगभग उसी तर्ज पर अब दिल्ली एनसीआर में मेट्रो भी चलाने की योजना बनाई जा रही है। यह ट्रेन जमीन के साथ ही खंभों पर भी चलेगी। बस इसमें एक कॉरिडोर बनाने की जरूरत है, जिसके बाद यह रबड़ वाले टायर मेट्रो जमीन पर फर्राटे की तरह दौड़ने लगेगी। इसे मेट्रो लाइट के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ कुछ ट्राम जैसी होती है। इसकी रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की तरह जमीन पर दौड़ेगी। मेट्रो लाइट का अपना अलग रास्ता होगा, जिससे यातायात से इसकी गति प्रभावित ना हो सके। इस ट्रेन में 3-3 कोच होंगे, जिसमें 300 से 350 यात्री सफर कर पाएंगे। इसमें पिलर या सुरंग बनाने की जरूरत नहीं होगी। ताराबंदी या दीवार बनाकर स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें टिकट ट्रेन के अंदर ही मिलेगा। टिकट ना लेने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। सुरक्षा जांच बिल्कुल अभी वाली मेट्रो की तरह ही होगी। अभी तक पेरिस, हांगकांग, मलेशिया में ऐसी मेट्रो चलाई जा रही है। दिल्ली के द्वारका में इसे सबसे पहले चलाने की भारत सरकार की योजना है। इसे चलाने में मेट्रो की तुलना में 3 गुना कम 100 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत आएगी। मेट्रो की तुलना में इसकी लागत कम होने के साथ ही ये मेट्रो की फीडर प्रणाली के तौर पर भी काम करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द कैपिटल पोस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।